अष्टावक्र गीता 11वां अध्याय तीसरा श्लोक। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न शोचति। ही हू हैज अंडरस्टूड विथ सर्टिट्यूड दैट मिसफॉर्च्यून एंड फॉर्च्यून कम इन देयर ओन टाइम थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट एक्शन becomes ever contented and has all his senses well under control. He neither desires nor grieves. Question: what is meant here by effect of past actions? Is time a relevant factor here? How to understand this? आप दो हैं, जिसमें से दूसरा पहले की लीला है। तो वस्तुतः आप एक ही हुए। लेकिन दूसरे की दृष्टि से जब भी देखेंगे तो भेद दिखाई देगा, दो अलग अलग दिखाई देंगे। तो व्यवहारिक रूप से अभी ये कहा जा सकता है कि हम दो हैं। कौन से दो हैं? एक वो जो समय में जीता है, जिसका आदि अंत है, जो कार्य कारण में जीता है, जिसकी सीमाएं हैं, जिसकी इंद्रियगत अनुभूति है, और दूसरे या वो है इसमें गहराई है, इसमें फैलाव नहीं है, इसमें विस्तार नहीं है, जो समय में नहीं है, जो बिंदु समान है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। जो समय में जीता है उसके ऊपर समय का प्रभाव पड़ता है, मात्र उसके ऊपर। आपके भीतर ऐसा जो कुछ है, आपके पास ऐसा जो कुछ है जो समय से आया है, उस पर समय का असर भी पड़ेगा। वो कर्मफल के सिद्धांत के भीतर ही चलेगा। शरीर आपको समय ने दिया है, शरीर पर समय का असर पड़ेगा, शरीर की उम्र बढ़ेगी, परिपक्व होगा, फिर जरा जीर्ण होगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा। कोई ये चाहे भी कि शरीर समय के पार हो जाए तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर ही समय है, समय का उत्पाद है। मन भी आपको समय ने दिया है, आपके मन में अभी जो विचार है और विचारों के नीचे जो वृत्तियां हैं, ये और कहाँ से आई? सब संसार की देन है। संसार माने समय, संसार और समय अलग अलग नहीं है।
तो मन में भी जो कुछ है वो समय के प्रभाव के अंतर्गत ही आता है। समय उसमें लहरें उठाएगा, समय यूं भी प्रतीत होगा कि उसे शांत कर दे रहा है, और मन में जो कुछ भी रहेगा वो कभी स्थायी नहीं रहेगा, समय के बदलने के साथ बदलता जाएगा। तो मन पर भी कर्म फल का सिद्धांत लागू होता है। शरीर पर ऐसे लागू होता है कि आप किसी दीवार को मारें तो आपको चोट लग जाएगी, आप गलत आहार विहार करते रहें तो शरीर खराब हो जाएगा। और मन पल ऐसे लागू होता है कि जैसे आपके विचार हैं वैसे ही मन की संरचना बनती जाएगी। तो वहाँ पर भी कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट लागू हो रहा है, एक में बड़े स्थूल तरीके से और एक में सूक्ष्म तरीके से। और इसमें कोई अपवाद संभव नहीं है। जरा सा भी अपवाद संभव नहीं है। मन ने जो सोचा उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा, शरीर ने जो खाया वो भीतर अपनी प्रतिक्रिया करेगा। आप होंगे आध्यात्मिक रूप से बड़े उन्नत, पर जहर खा करके शरीर को ना बचा पाएंगे। आप होंगे बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, पर सर पे पत्थर पड़ेगा तो जीवित तो नहीं बचेंगे। क्योंकि शरीर शरीर है और उस पर संसार के, समय के, भौतिकी के और कर्मफल के सारे नियम लागू होते हैं। मैं दोहरा के कह रहा हूं कोई अपवाद संभव नहीं है। आप कहेंगे ये दोहराने की क्या बात है, ये तो बात बहुत जाहिर है। ये बात जाहिर नहीं है, हमारा पूरा जीवन अपवाद की तलाश में बीत जाता है। जो होना ही है, जो स्पष्ट ही है, हम उसका प्रतिरोध करते हैं, उससे लड़ते हैं। आपदा संपदा काले दैवा देवेति निश्चयी। सुख आता है, दुख आता है, हम इनसे कभी गुजर नहीं पाते। हम दुख का तो विरोध करते ही हैं, हम सुख को भी कभी पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। हमने ठान ही रखा है कि हम कर्मफल के सिद्धांत को तोड़ के मानेंगे, जो कि हम तोड़ सकते नहीं हैं। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि तो दैव की बात है जो अष्टावक्र आपसे कह रहे हैं, कि आपदकाल हो कि संपत काल हो, सुख हो कि दुख हो, ये दैव की बात है, इसको तुम बदल नहीं सकते, कोई विरोध इसका संभव नहीं है। पर हम पूरा पूरा विरोध करते हैं। हम ऐसे नहीं जीते कि सुख दुख हम में से हो करके गुजर जाए। खूब सुना है ना हमने, न सुख न दुख, और उसका अर्थ हमने ये निकाला है कि न सुख आने देंगे
न दुख आने देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं इसका अर्थ होता है न सुख का विरोध करेंगे न दुख का विरोध करेंगे, क्योंकि उनका आना पक्का है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। जो करा है उसका फल आना पक्का है, अब उससे लड़ो मत। लड़ करके तुम कर्मों की लंबी श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ रहे हो। लड़ो नहीं, उससे गुजरो। यही कारण है, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा गया है कि मात्र योगी ही भोगी हो सकता है, क्योंकि मात्र योगी ही संसार से गुजरना जानता है, संसार का विरोध नहीं करता, न विरोध करता न समर्थन करता है, वो गुजरना जानता है, वो पूरी तरह अनुभव करना जानता है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं स्वस्थ इंद्रियो। स्वस्थ इंद्रिय का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां पूरी तरह अनुभव करें। वो अगर पानी भी पीता है योगी, तो उसकी इंद्रियां पानी का स्वाद ले पाती हैं, क्योंकि वो पानी के विरोध में नहीं खड़ी हैं। वो यदि देखता है तो पूरा देखता है, क्योंकि उसकी आंखें संसार के विरोध में नहीं खड़ी हैं। उसके कान सुनते हैं तो पूरा सुनते हैं, क्योंकि उसके कानों ने ठान नहीं रखा है कि कुछ ऐसा है जो सुनने योग्य नहीं है। जब कान पूरा सुनते हैं तो पूरा सुनाई देता है। फिर कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। बुल्ले शाह कह रहे थे ना आपसे बोध शिविर में, मुरली बाज उठी अनघाता, वो यही बात है। तृप्तः तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो, जिसकी इंद्रिय स्वस्थ होती है उसे अनहद सुनाई देता है। वैसे ही नहीं सुनाई देता जैसे सड़क पे चलती कार की आवाज, सुनने का अंदाज दूसरा होता है पर सुनाई देता है। और सुनाई देने में कोई विशिष्टता नहीं है, बस अविरोध है। क्या विरोध करना, ये जो पूरा संसार है ये तो जाल है। कार्य कारण का जाल, जो भी कुछ घट रहा है उसके पीछे कारण, उसके पीछे कारण, उसके पीछे कारण, और कारणों के पीछे जो महाकारण है वो मैं हूं। कैसे विरोध कर लूंगा, संसार का विरोध करने का अर्थ हो जाएगा अपना ही विरोध करना। याद रखिए, जब आप भोगने के लिए उन्मत्त होते हैं वो भी एक प्रकार का विरोध है। तब आप कह रहे हैं कि जितना मिल रहा है वो नाकाफी है, मैं अपनी तरफ से भोगूंगा, वो भी विरोध है। वहां भी तृप्ति नहीं है। अष्टावक्र आपसे कह रहे हैं तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो, वहां भी तृप्ति नहीं है। वहां आप कह रहे हैं और चाहिए, वो भी विरोध है। तो विरोध में तो विरोध है ही, मांगने में भी विरोध है। हम हर प्रकार से संसार के विरोध में खड़े हैं। कभी ये कह के कि जो दे रहे हो वो नहीं चाहिए, और कभी ये कह के कि जो दे रहे हो वो इतना अच्छा है कि पूरा नहीं पड़ता। पर दोनों ही स्थितियों में हम ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। कभी कहते हैं सुख और चाहिए, कभी कहते हैं दुख कम चाहिए।
संत योगी वो है जो सुख से भी पूरा गुजरे, जो दुख से भी पूरा गुजरे, और इसी कारण वो सुख और दुख दोनों से अछूता रह जाता है। एक बात आपसे कह रहा हूँ, शायद आपको अजीब सी लगे, जितना सुखी योगी हो सकता है उतने आप कभी नहीं हो पाएंगे, और जितना दुखी योगी हो सकता है उतने दुख की गहराई आपने क्या जानी होगी। क्योंकि वो पूरा दुखी हो लेता है, इसीलिए दुख का चिन्ह मात्र भी उसमें शेष नहीं बचता, वो दुख से पूरा गुजर जाता है। आप दुख के विरोध में खड़े हो जाते हैं, इसीलिए दुख आपके पीछे लग जाता है। दो जैन साधक थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमते थे। समय आया, एक की मौत हो गई। जीवन भर वो मौन साधते रहे, जहां जाते थे चुपचाप रहते थे। जब एक की मृत्यु हुई तो लोगों ने समझा कि दूसरा इस बात से बिल्कुल अछूता रहेगा, पर लोगों ने पाया कि वो दहाड़े मार मार के रो रहा है, छाती पीट रहा है, रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। लोगों ने आकर के कहा कि ये क्या कर रहे हो, जैन साधक हो करके रो रहे हो। उसने कहा, क्यों, दोस्त मरा है जीवन भर का, रो नहीं सकता। यहीं पर हमारी भूल है। ये कहानी साफ साफ दर्शाती है कि हमने आध्यात्मिकता को कितना गलत समझा है। हमने समझा है कि आध्यात्मिकता जीवन का नकार है, कि आध्यात्मिक आदमी न हंस सकता है न रो सकता है, कि उसके आसपास जो कुछ हो रहा होता है वो उसके प्रति संवेदन शून्य हो जाता है, जैसे उसके भीतर कुछ मर गया हो, जैसे पत्थर हो, वो पत्थर नहीं होता, वो दुख को आपसे कहीं ज्यादा गहराई से अनुभव करेगा, वो सुख को भी आपसे कहीं ज्यादा गहराई से अनुभव करेगा। जो भी कुछ संसार दे रहा है, ना उसे उसका विरोध करना है, ना समर्थन करना है, उसे उससे गुजरना है। यही योग है और यही भोग है। आ रही है बात? और संसार जो भी कुछ देता है वो तो इंद्रियों के ही विषय होते हैं। ऐसी इंद्रियां जो संसार को उसकी पूर्णता में देख सके, स्वस्थ इंद्रियां कहलाती हैं। ऐसी इंद्रियां जिन पे कचड़ा न जमा हो गया हो, समझ लीजिए एक पाइप है जिससे कुछ गुजरना है। आपकी आंखों से कोई दृश्य है जो प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए एक पाइप सी है, उससे उस दृश्य को गुजरना है। वो पाइप, वो नली आपकी आंखों से होके आपके मस्तिष्क जाती है। यदि कचड़ा जमा हो उसमें तो क्या होगा, जो कुछ आ रहा है उसका विरोध होगा, होगा कि नहीं होगा? कचड़ा ही तो विरोध करेगा ना। स्वस्थ इंद्रिय का मतलब है कि जो कुछ है उसे आने दिया जाए, हम विरोध नहीं करते। आप मनोवैज्ञानिकों से पूछें तो आपको बताएंगे कि हम देखते ही नहीं, जो कुछ हमारे आसपास हो रहा होता है हम बमुश्किल उसका 1-2% देख पाते हैं। इंद्रियां स्वस्थ नहीं है। अभी पिछला हमारा सत्र हुआ था तो तब से मैंने कहा कि जो भी लोग आए वो कुछ बिंदु लिखें कि क्या सुना क्या समझा। आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, कि जितने लोगों ने लिखा था उन्होंने काफी अलग अलग लिखा था, तो कमाल हो गया ना। बात तो मैं एक ही कह रहा था, लोग अलग अलग कैसे पकड़ रहे थे, क्योंकि इंद्रियां स्वस्थ नहीं है। कुछ ऐसा था जिसके आप विरोध में थे, वो आपने सुना ही नहीं।
आपकी जो आंतरिक व्यवस्था है, और जब मैं इंद्रिय कह रहा हूँ तो इंद्रिय कभी अकेला काम नहीं करती है, उसके साथ मन हमेशा लगा होता है। तो ये अंदरूनी व्यवस्था है, अंतःकरण है, इसने कुछ बातों को खारिज ही कर दिया, सुना ही नहीं, और कुछ बातें थीं जो उसके अनुरूप थीं तो उनको बहुत जोर से सुना। एक कहा गया, चार बातें सुनी गई, रजिस्टर की गई। ये स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। आंखें वो जो न कुछ भी खारिज करने में उत्सुक हो, न एक कचार करने में उत्सुक हो। विंसेंट वॉन गॉग की पेंटिंग अगर आपने कभी देखी हो, तो पेड़ बनाएगा और चांद तारे बनाएगा, पेड़ छोटे छोटे और तारे बहुत बड़े बड़े। कहीं पे फूल बहुत बड़े बड़े और पक्षी जरा जरा से। उसे लोगों ने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये वैसा है जैसा मुझे दिखाई पड़ता है। मैं जिसको महत्व देता हूँ मेरे लिए बड़ा हो जाता है। मैं तारों को बहुत महत्व देता हूँ, मेरे लिए तारे सूरज से ज्यादा बड़े हैं। और ठीक वैसा ही मैं दर्शाऊंगा, आप उसके चित्रों को देखिए। उसने एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी, इंप्रेशनिस्टिक पेंटिंग। योगी दोनों तरीके से पूरा जीता है। उसके भीतर वो बैठा होता है जिसका न जन्म है न मृत्यु है, और वो उसे पूरी तरह से संयुक्त होता है। ये तो हुआ उसका एक जीवन जो है ही। और जो दूसरा जीवन है, जिसकी शुरुआत हुई थी और जिसे खत्म हो जाना है, वो उसे भी पूरा पूरा जीता है। और वो कैसे जीता है उसे पूरा पूरा, ये बात बड़ी गौर करने की है। क्योंकि हम तो जब भी कहते हैं कि पूरा जियो, तो हमारे मन में उन्मुक्त भोग के अलावा और कोई चित्र उठता ही नहीं। पूरा जीने का हम और कोई आशय समझ ही नहीं पाते। पूरा जीने का अर्थ हम यही जानते हैं कि जाओ और लूटो और खसोटो, भिखारी की तरह या डकैत की तरह। कि जीवन क्षणिक है, कल का भरोसा नहीं, तो आज ही जितना उड़ा सकते हो उड़ा लो। योगी का भोगना दूसरा है। और जिस तरीके से वो जीता है, उसी को कहते हैं कर्मों को काटना। पुराना भोगते जा रहे हैं, नया पैदा नहीं कर रहे हैं। पुराना तो जो था वो भोगना पड़ेगा, पर उसका विरोध करके नया नहीं पैदा करेंगे, और उसमें लिप्त होकर भी नया नहीं पैदा करेंगे।
सुख आएगा, सुख से गुजर जाएंगे, उसका कोई निशान चिन्ह अवशेष अपने ऊपर नहीं रहने देंगे। वही है जिसको कबीर कहते हैं कि चुनरिया पे दाग नहीं पड़ने देंगे। सुख आया था ना, सुख का क्षण था और तुमने सुख को ठुकरा दिया, पड़ गया चुनरी पे दाग। ध्यान दीजिएगा, ये बात आम तौर पे धर्म के क्षेत्र में सुनने को नहीं मिलती है। सुख आया और तुमने सुख को ठुकरा दिया, ये कह करके कि हम सुख नहीं भोगते, लग गया चुनरी पे दाग। और दुख आया और तुम जरा भी संकुचित हो गए, डर गए दुख से, लग गया चुनरी पे दाग। जब दुख आए तो दिल कड़ा करके चौड़ी छाती के साथ दुख का स्वागत करो, जरा भी विरोध नहीं, आइए सहो पूरे कष्ट को। मन पे चोट लगेगी, आघात होंगे, रो, पूरी तरह उसे गुजर जाने दो। वो गुजर जाएगा, तुम वैसे के वैसे शेष रह जाओगे, जस की तस धर दी नीचे दरिया, वैसे के वैसे रह गए। दुख आया पूरा गुजर गया, पर पूरा गुजरेगा नहीं अगर तुमने ये धारणा बना रखी है कि दुख बुरा है और सुख अच्छा है। क्योंकि अगर दुख बुरा है तो उसका क्या करोगे, विरोध करोगे ही करोगे। न दुख बुरा न सुख अच्छा, हंसी आए खूब हंसो, दुख लगे खूब रो, निष्प्राण मत हो जाओ। धार्मिक आदमी निर्जीव नहीं होता है कि काट से बैठे हुए हैं, जीवन का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। पर हम धारणाओं में जीते हैं, हम यही अर्थ बना लेते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 हम तो आध्यात्मिक हैं, हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पे फर्क नहीं पड़ता है तो तुम बहुत बड़े सांसारिक आदमी हो और ढोंगी और हो। ये तुमने एक नया मुखौटा पहना है, जरूर किसी को दिखाने के लिए, जरूर लालच है, जरूर कोई साजिश चल रही है मन की, जरूर कहीं डकैती डालने की योजना है, किसी ना किसी को तो लूटना है अपना छद्मवेश धर के। ये जो नकली चेहरा बना रखा है ये लूट के लिए ही बनता है, हर नकली चेहरा हिंसा की तैयारी है। आपदा संपदा काले दैवा देवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछते न शोचते, न मांगता है न शोक करता है, न वांछना है न शोचना है। लेकिन जो बात थोड़ी देर पहले कही थी उसको दोहरा रहा हूं, न सुख है न दुख है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दोनों के प्रति मृत हो गए हो। इसका अर्थ है न सुख का विरोध है न दुख का विरोध है। सुख का विरोध हम कैसे करते हैं, और सुख मांग के। दुख का विरोध हम कैसे कहते हैं, दुख को कष्ट
कम करने की मांग करके, न और सुख मांगेंगे न दुख को कम करने की फरियाद करेंगे। सुख मिल गया, जितना मिल गया तृप्त है। दुख मिल रहा है, जितना मिल रहा है कोई कारण होगा, कर्मफल है, क्यों शिकायत करें, क्यों कहें कि नहीं मिलना चाहिए था, उससे पूरा पूरा गुजरेंगे, जरा भी विरोध नहीं करेंगे। इस बात को भारत में कुछ लोग अति तक भी ले गए हैं, अति पर ले जाने पर वो बात हास्यास्पद हो गई है, लेकिन बात तब भी विचारणीय है। ज्ञान संप्रदाय के भीतर से कुछ आवाजें रही हैं जिन्होंने ये तक कहा है कि अगर कोई आदमी पीड़ा में हो तो उसे पूरी पीड़ा भोगने दो, कर्मफल कट रहा है उसका, उसकी मदद करके तुम उसको उसके दुख का विरोध सिखा रहे हो, तो मदद वांछनीय नहीं है, ना करो मदद, ये तक कहा है। अब वो एक अलग मुद्दा है, उसमें अलग जाया जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा आ गया है चित्र में। अभी हम अपनी बात करते हैं। जीवन को देखना होगा, हम किन किन तरीकों से दुख से बचने की कोशिश करते हैं, हमने कैसे अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र लगा दिए हैं कि दुख हम तक ना आए। याद रखिए, वो ऋण है आपके ऊपर, वो आपको चुकाना तो है ही, जितना देर में ऋण चुकाओगे ब्याज उतना ज्यादा देना पड़ेगा, तो दुख कल भोगने से बेहतर है आज भोग लो, कर्जा उतरेगा। और सुख को भी कल मत टालो कि नहीं नहीं अभी हक नहीं दिया हमने अपने आप को सुखी होने का। हम ये करते हैं, खूब करते हैं, हम कहते हैं पहले कुछ बन के दिखाएंगे उसके बाद सुखी होंगे, अभी कोई मौका है सुखी होने का ना। सुख भी समय की लहर है, कर्मफल है तुम्हारा, उसे कुछ विशेष मत मान लो। सुख में और दुख में मूलतः कोई अंतर थोड़े ही है, तुम क्यों भेद करते हो, तुम क्यों कहते हो कि अरे हमें लगता है कुछ पुरस्कार वगैरह मिल रहा है सुख के रूप में, कुछ पुरस्कार वुरस्कार नहीं मिल रहा। सुख और दुख ध्यान से अगर देखोगे तो दोनों विक्षेप ही हैं, डिस्टर्बेंसेस, दोनों को गुजर जाने दो, दोनों में मूलतः कोई अंतर नहीं है। पर तब हमारी यह धारणा भी खड़ी हो जाती है कि सुख मिलने का अर्थ यह है कि हमने कोई अच्छा काम किया होगा तो हमें सुख मिल रहा है। अच्छे कामों से क्या मिलता है सुख, बुरे कामों से क्या मिलता है, यह पागलपन की बात है। ना अच्छे कामों से सुख मिलता है ना बुरे कामों से दुख मिलता है, कामों के अटके रह जाने से जो मिलता है उसे सुख दुख कहते हैं, और सुख दुख साथ साथ चलते हैं। जिसे सुख मिल रहा है उसे कहीं ना कहीं दुख भी मिल ही रहा होगा। यह बहुत बड़ी भ्रांति है और धार्मिक आदमी इस भ्रांति को बिल्कुल दिल से लगा के घूमता है, बल्कि कहिए नैतिक आदमी, वो तो कहता है अच्छे काम करो, अच्छे काम से पुण्य मिलता है, और बुरे काम से बचो, बुरे काम से पाप लगता है। ये पागलपन की बात है, पाप पुण्य दोनों एक हैं, दोनों अवशेष हैं, दोनों चुनरिया पे दाग हैं, दोनों एक हैं। कर्मफल जब आपको मिलता है उसे सुख दुख कहते हैं। हां, आप उसे सुख का नाम दे रहे हैं दुख का नाम दे रहे हैं, ये आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति पर है। आप खड़े हुए हैं दरवाजे पर और आप उम्मीद कर रहे हैं कि
खबर आएगी कि आपकी तरक्की हो गई है, तभी फोन की घंटी बजती है, सुख है। आप खड़े हुए हैं और आप आशंकित हैं कि आपके मृत्यु की मृत्यु न हो जाए। बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, तभी फोन की घंटी बजती है, दुख है। एक ही घटना हुई है क्या? फोन की घंटी बजी है। वो कभी सुख है कभी दुख है, वो आपके ऊपर है, आपकी अवस्था के ऊपर है। फोन की घंटी सिर्फ कर्म फल है, वो संसार का फैलाव है, वो संसार के समुद्र की एक लहर है जो आके आपको लग गई है, तो उससे गुजर लीजिए। ना वो सुख है ना वो दुख है, वो संसार है। ना उसको आमंत्रित करिए, ना उससे लड़िए, उसके स्वभाव को जानिए, उसकी प्रकृति को समझिए। न वांछते न शोचते, जितना कीमती ये वचन है उतना ही कीमती इसका सही अर्थ करना है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे वचन का हमने गिरे से गिरा अर्थ किया है। न वांछते न शोचते का बड़ी संभावना है कि हम यही अर्थ कर दें, न सुख न दुख, तो फिर जिंदा किस लिए हो? फिर शरीर और मन कहाँ है, क्यों है? शरीर और मन तो द्वैत की दुनिया में ही जीते हैं, वहां समय है, संसार है, फैलाव है, सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, और तुम कह रहे हो न सर्दी न गर्मी। मुर्दों के साथ होता है ऐसा? तुम कह रहे हो न सुबह न शाम। न न सुबह न शाम नहीं, सुबह भी और शाम भी। तुम कह रहे हो न दिन न रात। न दिन भी और रात भी। तुम कह रहे हो न सुख न दुख। न सुख भी और दुख भी, और पूरा पूरा। जितना रोकोगे वो आगे के लिए संचित हो जाएगा, रोको नहीं। तुम भुगत ही अभी वही रहे हो जो तुमने अतीत में रोक के रखा था। पहले ना रोका होता तो आज क्यों भुगत रहे होते? अब उससे गुजर लो। आध्यात्म कभी निषेध की भाषा में बात नहीं कर सकता, ये बड़ी विडंबना है, बड़ी त्रासदी कि हम सोचते हैं कि धर्म आध्यात्म ना 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 करते हैं, इसको ना करो, इसको ना करो, ये ना करो, ऐसे रहो। वहां ना नहीं है, वहां महास्वीकार है। हमने कहा था हम दो हैं और दूसरा पहले से निकलता है, दूसरे का विरोध पहले का विरोध है, और दूसरे की लालसा पहले की लालसा है। लालसा भी गलत, क्योंकि लालसा बताती है कि जो पाने में कोई कमी रह गई हो। लालसा इस बात का प्रमाण है कि पाने में कुछ कमी रह गई, न विरोध न लालसा। इसीलिए संतों के रंग ढंग आम आदमियों को समझ में नहीं आते। उसको खाने को मिलता है, खूब मिल गया तो खा भी लेगा खूब,
वो मना नहीं करने आएगा। आप उसे सोने की थाली में खूब पकवान बना के दीजिए, उसे कोई विरोध नहीं है, वो जम के खाएगा। वो यहां तक खाएगा कि आपको बुरा लगने लगे, आप कहें कैसा संत है ये, हमने तो सुना था संत मिताहारी होते हैं, जरा सा खा के उठ जाते हैं। ये तो भोगियों में भोगी है, खाए जा रहा है, वो खाया जाएगा, जबरदस्ती भी नहीं ठूसेगा कि बड़े दिनों में मिला है तो जबरदस्ती खा ले, पर अब मिल रहा है तो विरोध भी नहीं करेगा, और नहीं मिलेगा तो शिकायत करने नहीं आएगा। 2 दिन भूखे पेट है तब भी मस्त है, घूम रहा है। न मांगना है न ठुकराना है, इन दोनों के अतिरिक्त जो तीसरा है उसे ही अहंकार कहते हैं। मिल गया तो ले लेंगे, नहीं मिला तो नहीं लेंगे। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा होता है, जानते हो कौन? वो कहता है नहीं मिला तो अर्जित करेंगे, उसका नाम ही अहंकार है, उसका ही नाम कर्ता भाव है। जब मिलता हो तो ठुकराना नहीं, जब ना मिलता हो तो भीख ना मांगना। उसी को सहज जीवन कहते हैं। पर इन शब्दों को इस्तेमाल मत करने लगना, हम बड़े धोखेबाज हैं कि देखो सर ने कहा था कि जब मिल रहा हो तो ठुकराना नहीं, तो अभी मौका मिला है लूट का, अब काहे को ठुकराए, चलो लूटे। तो तुमसे कह तो रहा हूं पर साथ ही ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि इन बातों को अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए ना इस्तेमाल कर लेना। खुल के जियो। तुम कभी नाचे हो जैसे बुल्ले शाह नाचते थे, तुम कभी रोए हो जैसे मीरा रोती थी, तुम कभी हंसे हो जैसे बोधिधर्म हंसा था, तुमने कभी प्रेम किया है कृष्ण की तरह? वो जिए हैं, उनके पास सिर्फ आत्मा ही नहीं थी, उनके पास मन और शरीर भी पूरा था। पर नहीं, यहां तो धारणाएं हैं, यहां तुम्हें संत नाचता हुआ दिख जाए तुम कहोगे ये देखो ढोंगी। ठीक ठीक हमें कभी समझ में ही नहीं आया कि कृष्ण की रासलीला कहां से आ गई और 16,000 रानियां कहां से आ गई, तो उस बात को बस हम यूं ही आया गया कर देते हैं। चलो गीता की ओर ध्यान लगाओ, रासलीला छोड़ो अभी। कैसे छोड़ दें, एक है कृष्ण, जो गीता में कहा है वो रासलीला में करा है, छोड़ कैसे दें? गीता अगर आत्मा है तो रास शरीर है, छोड़ कैसे दें? और जहां आत्मा में गीता होगी वहां शरीर रास करेगा। पर नहीं, हमें गीता चाहिए, रास से हमें विरक्ति है, नतीजा खंड खंड होना, विभाजित रहना, दीवार खड़ी करना। कर लो दीवार खड़ी, फिर कृष्ण तो सब कुछ दिखाते हैं, सुदामा आता है तो भाव विभोर हो जाते हैं, उसके पांव पखारने लगते हैं, ये कौन सा संत, भावुक हो गया तो भावुक है। अब बुद्ध के ऊपर पूरी मानवता को बचाने का दायित्व,
और एक बकरी कट रही थी। तो बुद्ध बोलते हैं इसको ना काटो, मुझे काट दो। बड़े गैर जिम्मेदार आदमी थे, भावुकता में इंसान गलत निर्णय ले लेता है, सेंटिमेंटल फूल। बकरी के लिए अपनी जान दे रहे थे, ये तो सोचना था कि अगर तुम मर गए तो देखो इंसानियत का कितना नुकसान हो जाएगा। अरे अब तुम्हारे ऊपर भार है, जिम्मेदारियां हैं, पहले उन्हें पूरा करो। लोगों के ऊपर तो एक बीवी और दो बच्चों का भार होता है, तो वो जीवन भर राग अलापते रहते हैं कि देखिए साहब अभी हम कुछ और नहीं कर सकते, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और बुद्ध के कंधों पर तो पूरी पृथ्वी का भार था, उसके बाद भी बकरी के लिए जान दिए दे रहे हो, बड़ी गलत बात है। पर ऐसा ही होता है सर, वो भावुक भी पूरा होता है, हम तो भावुक होना भी नहीं जानते, हमारी भावुकता में भी मिलावट होती है, हमारे आंसू भी समय और मौका देख करके गिरते हैं। जहां हमें पता हो कि पिट जाएंगे वहां हम गुस्सा कभी नहीं कर पाएंगे, हमारा गुस्सा भी बड़ा नपातुला होता है। यहां कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिसे गुस्सा ना आता हो, पर तुम्हारा सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा अगर पक्का हो कि अब बस पिट ही जाओगे। हाँ, तुमसे कोई कमजोर हो उसके सामने खूब गुस्सा दिखा लोगे। गौर किया कभी हमारा गुस्सा भी कितना नपुंसक होता है? ना हमारे आंसू सच्चे, ना हमारी हंसी पूरी, ना हमारा क्रोध ही पूरा। रुद्र का क्रोध होता है पूरा कि फिर तांडव होता है, फिर कुछ बचेगा नहीं। अब तुम उन्हें यह ना कह पाओगे कि देखिए साहब संयम बड़ी बात है, अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक है आप नाचें, आप प्रलय लेकर के आए, पर जरा मॉडरेशन में। इतना ज्यादा भी नहीं, मध्यम मार्ग ना। फिर वहां गुस्सा है तो पूरा है। कभी देखा है पुरानी कहानियां कैसे समय की सीमाओं को तोड़े रहती हैं? तपस्या होती है तो 5,000 साल तक होती है, इससे कम तो होती ही नहीं। मतलब समझ रहे हो कि कोई सीमा नहीं है, फिर विरोध नहीं करेंगे। अब हो रहा है तो पूरा हो। एकांत में गए हैं, रमण कर रहे हैं, तो बरसों तक चल रहा है, हफ्ते भर का अवकाश लेके नहीं गए हैं, वो बरसों तक मौज में है, लौट ही नहीं रहे। हम तो घड़ी बांध के जाते हैं। और जहां पूरा है वहां शेष क्या बचता है? शून्य। यही आत्मा की उपलब्धि है। जहां पूरा गुजर गया वहां जो शेष बचता है सो तुम हो। और जहां पूरे में से जरा भी ठहर गया तो जो शेष बचता है वही तुम्हारा क्लेश है। फिर वो याद आएगा, फिर वो पुकार पुकार के कहेगा कि मुझे पूरा होना है। जो करना है कर लो, जो होता है होने दो,
उल्टा चलो, सीधा चलो, पर खत्म करो। हम खत्म नहीं होने देते। और हमारी सारी व्यवस्थाएं इसीलिए कि खत्म ना हो। बच्चा डरा हुआ है, बाहर बगीचे में भूत घूम रहा है। बहुत कम माएं होंगी जिन्हें इतनी बुद्धि हो कि कहें कि चल तू अभी आधी रात है, चल बगीचे में भूत से मिल के आएंगे। अब उठा है ना डर, तो डर को पूरा अनुभव करेंगे। आ तो बच्चा सिहरेगा, कांपेगा, रोएगा, घबराएगा, पूरा गुजर जाएगा। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अगले दिन नहीं रोएगा, पर मां क्या करेगी, अरे मेरा लल्ला, आ तुझे कंबल में लपेट दूं। चिंता ना कर, मां है ना, बाहर जाके भूत को भगा आएगी। और मां अगर भूत को भगा आएगी तो और सिद्ध होता है कि भूत है जरूर, भूत था, मां गई भगा आई। और हर घर में यही बेवकूफी चल रही है। अनेक प्रकार के भूत हैं जो बगीचे में टहलते हैं, भविष्य का भूत, तुलना का भूत, समाज का भूत, प्रगति का भूत। और माए तत्पर है इन सारे भूतों से रक्षा करने में। वो लाल को भिड़ने नहीं देती हैं इन भूतों से, वो रक्षा करने में उत्सुक है। तो फिर क्या होगा? प्रेम का अर्थ भी तो हमने यही लगाया है ना, कि जिससे हमें अनुराग हो हम उसकी भूतों से रक्षा करेंगे। नहीं रक्षा कर सकते, भूत ही तो कर्म फल है। इस बात को गांठ बांध लो। वहां कोई निस्तार नहीं है, वहां कोई छूट नहीं मिल सकती। शरीर और मन को कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। और कर्म फल उसी के लिए है जो कर्म फल से बचना चाह रहा हो। क्या ही बात याद रख पाओगे? कर्म फल उसी के लिए है जो कर्म फल से बचना चाह रहा हो। जो कर्म फल को स्वीकार कर ले वो कर्म फल से मुक्त हो गया। जो प्रारब्ध को स्वीकार कर ले वो प्रारब्ध से मुक्त हो गया। चोट लगती है विरोध के कारण। तुम पूरा स्वीकार कर लो जो हो रहा है, तुम्हें चोटें लगनी बंद हो जाएंगी। साठ मील प्रति घंटे की गति से चलता हुआ ट्रक आके तुम्हें मारे, तुम्हारा क्या होगा? हाँ क्या होगा? कहीं के नहीं बचोगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम भी 60 की रफ्तार से ही दौड़ रहे थे, चोट विरोध से लगती है। जिस गति से तुम्हें मारा गया, यदि तत्क्षण तुम भी वो गति पकड़ लो तो तुम्हें जरा भी चोट नहीं लग सकती। ट्रक क्या टैंक आके तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, जितनी गति से टैंक चल रहा था ठीक उतनी गति यदि तुम्हारी हो तो तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगेगी। विरोध चोटिल करता है। विरोध करना छोड़ो, समूचा स्वीकार, जो है सो है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
बात गहरी जाती है, सतह पे मत ले लेना। दूसरी तीसरी बार चेतावनी दे रहा हूं, विरोध करना छोड़ो। इसका अर्थ ये भी है कि यदि समय आ गया है कि विरोध करो, तो अपने भीतर से उठते विरोध का भी विरोध करना छोड़ो। यदि समय अब आ ही गया है कि हो विरोध, तो फिर विरोध का विरोध छोड़ो। जेन में इसीलिए खोखले बांस का प्रतीक खूब इस्तेमाल किया जाता है। समझते हो ना क्यों? क्यों? क्योंकि वो विरोध नहीं करता। पोला बांस समर्थन भी नहीं करता, उसके भीतर से जो गुजरता है गुजर जाता है। भारत ने उसी बात को एक कदम और आगे बढ़ा के रखा हुआ था। उसी खोखले बांस को भारत ने एक दूसरा नाम दिया है, क्या? बांसुरी। कहा इतना ही नहीं है कि इसमें से गुजर भर जाता है जो भी गुजरना होता है, जब गुजरता है तो संगीत पैदा होता है, वही जीवन संगीत है। जब ना तुम विरोध करते हो ना समर्थन करते हो तो संगीत पैदा होता है, वही कृष्ण की मुरली है। से मत हो जाना कि लोगों को हंसते हुए देखो तो तुम्हारे मन से लांछना निकले कि अरे ये तो कुत्सित लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, देखो देखो कितना हंस रहे हैं। और तुम लोगों को रोते हुए देखो तो तुम कहो अरे अबूझ अज्ञानी हैं, दुख मना रहे हैं, जानते ही नहीं कि दुख क्या है, मन का विक्षेप है, रो रहे हैं। सुख का मौका हो हंस लेना, दुख उठे रो लेना। अछूते गुजर जाना, फिर पूछ रहा हूं अछूता कैसे गुजर सकते हो? तभी जब गुजर लिए। न कामना की, न वांछति, न विरोध किया, न शोचते, न मांगा न विरोध किया। तू रुलाए रोले हम, तू हंसाए हंस ले हम, न वांछति न शोचते।